ये सब जितने भी टीवी के चैनल हैं, सब बड़े बड़े खरबपतियों ने आज के दिन खरीद रखे हैं। 57% ये सारे बड़े खरबपतियों के हैं। अब खरबपतियों को तो मोदी जी सारी संपत्ति दे रहे हैं देश की, और उल्टा मोदी जी भी अपनी पार्टी को अमीर बनाए जा रहे हैं। आज जो भाजपा है वो सबसे अमीर पार्टी है पूरी दुनिया में। अब देखिए, आजादी से 70 साल हो गए, कांग्रेस पार्टी 55 साल राज में थी, सरकार कांग्रेस की थी। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी कभी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बनी। 10 सालों में भाजपा सबसे अमीर पार्टी बन गई। कहां से, कहां से? हमारे पैसे से। चलिए, आप कह रहे हैं कहां से? ये जो काला धन जिसकी बात ये करते हैं, क्या ये तो नहीं है? ये चंदा लिया, चंदा बनाने के लिए स्कीम बना दी, बोलते हैं हम बड़े ईमानदार हैं। सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की स्कीम तो इन्होंने बनाई है। पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने यह स्कीम तो नहीं बनाई कि जो भी चंदा देगा राजनीतिक दलों को उसका नाम गुप्त रहेगा। मोदी जी ने यह स्कीम बना दी, स्कीम बनाई, उसके बाद न्यायालय ने बोला कि भाई ये गलत बात है, जो चंदा दे रहा है उसका नाम हमें पता होना चाहिए, पूरे देश को मालूम होना चाहिए, ये सार्वजनिक काम है, राजनीतिक दल जो है जनता के लिए काम करते हैं। तो जब सूची निकली तो पता चला कि मोदी जी ने किस किस से चंदा लिया है। मोदी जी ने जो आपको वो टीका लगा था, याद है आपको? किस किस को लगा टीका? सबको लगा, हमें भी लगा। लगाना चाह रहे थे कि डर लग रहा था? हाँ, थोड़ा डर लग रहा था, मुझे तो लग रहा था। मैंने कहा कि ये टीका इतनी जल्दी में बना है, भगवान जाने इसमें क्या है। है ना? खैर, हम सबने लगाया और उस पर्चे पे मोदी जी की फोटो भी आई थी, याद है? अब पता चलता है कि एक ही कंपनी ने सारे टीके बनाए और उन्होंने 52 करोड़ रुपए चंदा दिया मोदी जी को। गुजरात में जो पुल गिरा था जिससे सैकड़ों लोग बह गए पानी में, उस कंपनी से भी मोदी जी ने चंदा लिया। फिर ऐसी कंपनियां थी जिसपे मोदी जी ने छापा लगवाया, चंदा लिया, छापे मन केस लगवा दिए बड़े बड़े, चंदा लिया, केस ठंडे बस्ते में गए। तो ये सारी बात भी सामने आ गई। तो इनका काम क्या रहा है 10 सालों में? काम रहा है कि अपने बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत बनाओ, खूब चंदा लेकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाओ, और जनता के लिए सिर्फ एक बात, फूट फैलाना।